आप सभी का स्वागत है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी सीरीज की एक नई वीडियो में। ओटीए सीरीज की पहले की वीडियोस की लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज की वीडियो में हम ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में कैडेट्स को दी जाने वाली ट्रेनिंग डिटेल्स को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई इंडियन आर्मी का प्रीमियर प्री कमिशनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में से एक है, जहां पर इंडियन आर्मी के शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की प्री कमिशनिंग ट्रेनिंग होती है। ओटीए चेन्नई 700 acres में फैली हुई है और इस अकेडमी में एट अ टाइम अप्रोक्सीमेटली 750 ऑफिसर्स कैडेट्स को ट्रेन किया जा सकता है। फिलहाल ये इंडियन आर्मी की इकलौती प्री कमीशन ट्रेनिंग अकेडमी है, जहां पर मेल और फीमेल दोनों कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उन्हें इंडियन आर्मी की डिफरेंट आर्म्स और सर्विसेज में शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता है इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। ओटीए चेन्नई में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए सिलेक्टेड कैडेट्स को 49 वीक्स की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे दो सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। हर एक सेमेस्टर 23 वीक्स का होता है और दोनों सेमेस्टर के बीच में कैडेट्स को 3 वीक्स का टर्म ब्रेक भी दिया जाता है। अकेडमी में कैडेट्स को दिए जाने वाले 49 वीक्स का ट्रेनिंग स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड होता है और ये स्ट्रक्चर बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ ही ऑफिसर्स कैडेट्स का फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी एंश्योर करता है। इंडियन आर्मी के ऑफिसर में फिजिकल स्टेमिना के साथ ही मेंटल स्ट्रेंथ और लीडरशिप क्वालिटीज होना काफी जरूरी है, इसलिए अकेडमी द्वारा एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए जाते हैं टू इग्नाइट दी लीडरशिप क्वालिटीज इन दी ऑफिसर कैडेट्स। अकेडमी में डेवलप हुए लीडरशिप क्वालिटीज से ऑफिसर अपनी सर्विस के दौरान आने वाले डिफरेंट चैलेंजेस को आसानी से डील कर सकेंगे। लीडरशिप क्वालिटीज के साथ ही अकेडमी की फैकल्टीज ऑफिसर्स कैडेट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को भी डेवलप करते हैं। अकेडमी में सभी कैडेट्स को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग तो दी ही जाती है, पर इसके साथ ही उन्हें गेम्स और स्पोर्ट्स और कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज से भी एक्सपोज किया जाता है। अकेडमी में स्क्वाश, टेनिस, रॉक क्लाइंबिंग, पैरा सेलिंग, मार्शल आर्ट्स, शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, म्यूजिक एंड ड्रामेटिक्स, आर्ट्स, क्रिएटिव राइटिंग, कंप्यूटर्स, बोटिंग एंड सेलिंग, गोल्फ, योगा, फोटोग्राफी, बॉल रूम डांसिंग, एरोबिक्स एंड फिटनेस और आर्चरी समेत कई हॉबी क्लब मौजूद हैं। सभी ऑफिसर्स कैडेट को टर्म में किसी एक क्लब को ज्वाइन करना मैंडेटरी है। फोटोग्राफी क्लब या किसी स्पोर्ट्स के लिए कैडेट्स पर्सनल आइटम्स जैसे कैमरा या कोई स्पोर्ट्स गेयर यूज कर सकते हैं, पर शूटिंग क्लब के लिए कैडेट्स अपना पर्सनल वेपन्स यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा एक्सपोजर के लिए टर्म ब्रेक के दौरान सभी फर्स्ट टर्म कैडेट्स के लिए टर्म ब्रेक के स्टार्टिंग में एडवेंचर हाइक्स कंडक्ट किए जाते हैं। इस एडवेंचर हाइक्स का ड्यूरेशन 4 to 6 days होता है और सिमिलरली मिड टर्म ब्रेक्स के दौरान भी सिलेक्टेड और वॉलंटियर कैडेट्स को एडवेंचर हाइक्स या एजुकेशनल टूर पर भेजा जाता है। तो ये थी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में कैडेट्स को दी जाने वाली ट्रेनिंग से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।